और हमारे महबूब इस्लाम के इरशाद फरमाते हैं, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता जिस घर में कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो। तो गुस्ल में जानबूझकर देर करना ये आपके घर में बेबरकती लाता है, आपके घर में फरिश्ते नहीं आते। और चलें ये बात हुई है तो ज़िम्नन एक और बात भी कर दूँ कि घर में तस्वीर लटकाना, घर में तस्वीर लटकाना ये इसी हदीस में मना किया गया है। फरमाया घर में अगर ऐसा बंदा हो जिसमें गुस्ल फर्ज हो तो फिर जो है वो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। फरमाया घर में कुत्ता हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। फरमाया घर में तस्वीर लटकी हुई हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कमाल है आजकल के लोगों पे 10-12 लाख की कोठी बनाते हैं, ऊपर इतना बड़ा बाज लगा देते हैं, अब अंदर ते अंदर रह गया उतना ही लाग रहा है, फरिश्ते दूर ही लगे हुए, इतने लोड़ ही को नहीं है, इतने सारिया जी ना बुतां दी गल्लां होनी ने, इतने तस्वीर वाले काम होना है, उत्ते ही एडा ला देंगे ने बाज। पता नहीं कहड़ा अजीब ट्रेंड निकल आया भी ये मुसलमानों के घर ने, हिंदुआ के घर ने, अजीब गल है भाई, ऊपर इतनी बड़ी तस्वीर लगा दी है कि ऊपर से फरिश्ते चले जाए कि इस घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते घर के अंदर आते हैं, जिस कमरे में तस्वीर आवेजा हो ना उस कमरे में नहीं जाते, जिस कमरे में ऐसी कोई बात नहीं तस्वीरें नहीं लटकी वहां फरिश्ते आते हैं। लेकिन ईमान रिश्ते जहाँ ऊपर इतनी बड़ी लग जाए वो अंदर आएंगे नहीं ना आएंगे। और फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो घर से सुकून को नहीं है, मौलवी एक बार थोड़ा घर जाके वेखे ना तो दुआवा की बजाय पहले तुम्हें दो त्रै सुनाया, पहले आया तू ढाहा जी उत्ते चवल मारी आ तो फिर दुआ मेरे को आगे कराई है, बाकी दुआवा की कहते तेन फायदा की होना वा घर के उत्ते तू एडा बाज बना सड़िया है, चाहे वो तस्वीर जो है वो पेज पर बनाई जाए, तस्वीर सीमेंट की बनाई जाए, इंटू की बनाई जाए, तस्वीर आखिर तस्वीर ही है, तस्वीर के ऊपर हुक्म जो है वो बुत का ही लगता है। आप जो अपनी तस्वीरें शौकिया लटका लेते हैं घरों में तो बंदा आएगा सामने कहेगा लो जी एडा सोहना बंदा है, उन्हें तेरे मुँह लगे ना उसी पता लग जाए कि सोहना है, ए तस्वीर जो फिल्टर यूज होए पता लग जाता कि उत्तर फिल्टर यूज होए है, इतने सिंपल जी उ पता लग जाता है। तो लिहाजा अपने घरों में रहमत अगर आप चाहते हैं हो तो ऊपर बड़े से बाज जिन्होंने बनाए हुए हैं इनको गिराएं, इनका कोई फायदा नहीं है, कहीं भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। बेशक आप किसी आलिम से पूछ लें कि बड़ी सी कोठी बना के ऊपर बाज या कोई भी परिंदा ऊपर ये बनाना जायज़ है कि नहीं, तो आपको बताएंगे कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस्लाम कतन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो बात चली थी तस्वीर और जुम्बी शख्स और कुत्ता, ये तीनों चीज़ें घर में हों तो घर में रहमत का फरिश्ता जो है वो नहीं आता।